दोस्तों कैसा होगा अगर आप अपने खुद के YouTube चैनल का लिंक खुद से कस्टमाइज करो। आज हम बात करने वाले कस्टम URL लिंक के बारे में। देखो, अब आपके पास एक YouTube चैनल है तो क्या होता है कि आप जब भी आप अपने YouTube चैनल का लिंक शेयर करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इतना बड़े बड़े वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स कि आप उसको याद नहीं कर सकते। बट अगर जो आप खुद से अपने चैनल का URL लिंक क्रिएट कर सको, बना सको, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, सिंपली से अगर जो आपको किसी को शेयर करना है तो बस सिंपल से आप टैग्स करते हो www.youtube/. आपने चैनल का नाम लिखो, बस सिंपल से इतना करोगे आपका चैनल का URL क्रिएट हो गया। एंड जो भी बनता है उस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके चैनल के ऊपर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम URL लिंक कैसे बनाते हैं अपने चैनल का। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा आपका YouTube चैनल का लिंक। सो गाइज, ये हमारा डैक्सबोर्ड, जैसे हमारा YouTube चैनल है उसका डैक्सबोर्ड आ गया। एंड यहाँ पे हमें सिंपली सी यहाँ पे क्रॉप करके जाना है अपने इस कस्टमाइजेशन ऑप्शन के ऊपर। जी हाँ, इस पर हम क्लिक करेंगे। अनक्लिक करते ही हमारा कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो, एंड यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो चैनल कस्टमाइजेशन लिखा है उसके नीचे 3 layers देखने को मिलेगा। पहला लेयर ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पे सिंपली से जाना है बेसिक इन्फो के अंदर। जी हाँ, हम लेआउट के बारे में नहीं कहेंगे, हम बेसिक इन्फो में जाऊँगा। बेसिक इन्फो में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा हमारा चैनल का URL। जैसे कि आप देख सकते हो, चैनल का URL आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप URL देख सकते हो। एंड जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा सेट अ कस्टम URL फॉर चैनल। अब ये जो चीज़ है, यहाँ से हम आप सेट करेंगे अपने चैनल का URL कि अपने हम अपने से कैसे URL चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेट करेंगे, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेगा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा जो पहला YouTube चैनल का नाम था 2020 Gadgets, उसका URL है। एंड नीचे वाला जो है ये विजय जी टेक अभी वाले का है, तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया था 2020 Gadgets से लेके मैंने कर दिया था विजय जी टेक। तो दूसरा वाला ये है। एंड जो नीचे आप देख रहे हो, तो ये बॉक्स वाला लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आप अपना विजय जी टेक के साथ साथ आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड इंटर नंबर्स वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हो। तो हमें सिंपली से मैं रिसेंट वाला रखूँगा, विजय जी टेक वाला, क्योंकि मैंने विजय जी टेक से अपना चैनल का नाम इस टाइम रख रखा है, 2020 Gadgets नहीं करूँगा। एंड यहाँ पर मैं सिंपली से कर दूँगा इसको पब्लिक। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड कोने में एकदम पब्लिश का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पब्लिश करके यहाँ पे कंफर्म कर देना मेरे को। और ये जो यूट्यूब चैनल का हमारा लिंक है ये है, अगर जब अपने से भी कहीं भी लिख दोगे, टाइप कर दोगे ना www ये सब, एंड यहाँ से कंफर्म कर दो पहले। अब अपने से आप कहीं भी करोगे ना इसको, तो आपका लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कॉपी करना पेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दोनों, जो पहला वाला है दूसरा वाला, दोनों को सेव करके रखें आप, कृपया करके सेव करके रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके देखता हूँ, तो यह जैसे आप कॉपी करके खोलेंगे डायरेक्ट ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा पूरा चैनल खोल के आ गया, ठीक है। तो बस सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा स्टेप है करने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम URL लिंक कैसे बनाया जाता है। और कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।